आप लोगों को दिखाना है अपना नया घर। डिजाइन कर रहे हैं कि आपी के जाने के बाद कैसे डिजाइन करना है ऐसा। मैं तो मैं थप्पड़ मारूंगी तो। मैं रखवाऊंगी कंसोल विद ब्यूटीफुल मिरर लाइन। इस घर की सबसे हम अनयूज चीज पे आ जाते हैं जो कि कभी यूज नहीं होगी। ये है जी हमारा मेन बेडरूम, मेरा ऑफिस। ऑफिस तुमने क्या करना ऑफिस? गोल्डी गोल्डी वॉशरूम है। मुझे घर पूरा ही बहुत अच्छा लग गया है। आज का दिन मोस्ट अवेटेड है, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत इसीलिए है क्योंकि मैं हो चुकी हूँ तैयार। और तैयार मैं क्यों हुई हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर में निकलना है और आप लोगों को दिखाना है आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे अपना नया घर, जो कि जिस पे मैंने जिसकी शिफ्टिंग की मैं तैयारियां करी थी। आफ्टर मैरिज मैंने जिस घर में शिफ्ट हो जाना है वो पोर्शन, वो घर, वो मैंने आज आपको दिखाने के लिए जा रहा है क्योंकि उसके बाद वहां पे छोटे मोटे काम शाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ हम लोगों ने बाकी भी चीजें करनी है तो इस व्लॉग का मुझे पता लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि लोगों को जानने की बात थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाले नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोगों के फोन में क्रम करके आ रहे। और मैंने किया है जी अरीब साहब को फोन कि आप मुझको लेने के लिए आ जाएं क्योंकि आज मैं दर्शन करवा ही दूं अपने घर के। तो चलते हैं अभी, लेट्स गो होते हैं। मैं अपना बैग शैग पकड़ती हूँ। चले जी, मैं जाने लगी हूँ और मेरी अम्मा आज पहले से ऊपर आके बैठी हुई। मैं हमेशा नीचे जाते वक्त मिलती हूँ। झूले को अपने को मिस करती हूँ इसलिए मैं ऊपर आके सिर्फ झूले को मिलने आती हूँ। झूले को मिलने आई है बेटी को। नहीं, बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि आपी के जाने के बाद कैसे डिजाइन करना है ऐसा। मैं तो मैं थप्पड़ मारूंगी। तुमने अभी से डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी है आपके जाने को शायद। हाँ, किधर जा रही? सुना है कि जा रही हो घर का टूर करवाने। हाँ, तो हम अपना घर का टूर कराते, तुम अपना करवा। कह रही हूँ कि आप अपने नए अब घर जा रही हो, लोगों को दिखा भी दिया, तो ये ऑफकोर्स हमारा, तो हम लोग सोचेंगे क्या डिजाइनिंग करें, कैसे आपके का बैठ यहाँ से उठा। डिजाइनिंग मैंने करनी है, लेकिन फिर ये पोर्शन तो मेरा हो जाएगा ना। मेरा तुम्हारा किस खुशी में? तुम्हारा नीचे वाला बड़ी मुश्किल। मुझे टिड्डू कमरा दिया हुआ खुद से बड़े सबने ज्यादा भी लेना। बड़ा कमरा वो वाला नीचे वाला तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा है। मेरे से ज्यादा बड़ा घर मछली के अंदर। क्या मेरे से ज्यादा? वो बेचारी टैंक के डब्बे में रहती है, फिर भी वो ज्यादा मशहूर वो है। नहीं, लेकिन फिर भी हम वो कमरा तो मेरा। तो मम्मा खाली घर जाके लोगों को बेसिकली लोग जितना पूछ रहे ना सामान, जाहिर है अभी जाके खरीदूंगी तो फिर ही जाकर अपना ससुराल दिखाने जा रही हूँ। हाँ, बड़े शौक चढ़े ससुराल दिखाने के। तो शौक तो मैंने जितना उसके बाद देखना यही घर पुराना लगेगा फिर हमारा प्यारा लगेगा इसको। तो मैं थप्पड़ हम पता क्यों आएंगे आपके घर? सिर्फ अपनी ट्रांजिएंट वीडियोस बनाने बस। और पहले हफ्ते हम सबने कपड़े लेके कहाँ जाने, आपके घर जा रहे वीडियो बनाने। उसके बाद आपका घर हो जाएगा पुराना, फिर वापस अपने घर में वापस आ जाएगा। पता चले फोटोग्राफर के साथ हीरा मैं पूरा अपने ब्रांड का शूट करने आ रही है टम टम करती। मैं तुम्हें थप्पड़ मार के बाहर निकालूंगी, सफाइयां करवाऊंगी तुम लोग। आओगी आके खुद चाय पानी बनाओगी? नहीं पता पानी रहने पानी पता चले पापा अपनी वीडियो का ट्राइपॉड लेके आपके घर आ रहे वीडियो बना क्योंकि तो यार मेरे चलाकियों का बना रही, चलाकियों का शिफ्ट हो गया बेचारी छोटी बहन मेरे बगैर यहाँ क्या करेंगी? जो मुझे यहाँ पे इतनी मुश्किल से मुंह लगाती है वहाँ की क्या करेगी? जाओ तो सही, हमने इतने इतने मजे करने ना चुन चुन के। यार ये कि तुम लोगों के मजे मेरे साथ पार्टियां करेंगे, रोज बलून फाइट्स करेंगे। और इसको वो भेजा रहे हैं। आई प्रॉमिस तुमने वाकई कहना मुझे मेरे घर जाना है। घर का ना कुछ ज्यादा फासला नहीं होगा तो मैं टपक पड़ा करूंगी जब मुझे खबर बस मिलने की। तुम लोगों की स्नैप स्टोरीज, तुम लोगों की इंस्टाग्राम, तुम लोगों की स्नैपचैट, मैंने अपने घर में ना अपना एक बशिंदा छोड़ के जाना और वो मेरी अम्मी है। चलिए जी गाइस, अरीब साहब की कॉल आ गई है थोड़ी देर में, बस वो कह रहे हैं कि 5 मिनट तक नीचे। अपना बैग भी पकड़ कपड़े डाले, यहाँ से इतना जगह तो खाली करो ना, वहां लेके जाके रख। मेरी माँ को किसी चीज की इतनी जल्दी नहीं है, मेरी माँ को बस है कि ये लड़की इस घर से फारिग। खाली करके आओ फिर ले आओ, फिर भर दूंगी, फिर ले जाना, फिर ले जाना, भर दूंगी, फिर ले जाना। मैं ए बैग ऊपर नहीं रखे। अरीब ने कहना सारा पुराने कपड़े मेरा घर भर देता है। पुराने तो नहीं, इसमें नहीं
हैं मेरे। तो अभी मुझको निकलना है क्योंकि अरीब साहब जो है ना वो नीचे आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं हमारा। A few moments later. Finally, हम लोग पहुंच गए हैं मेरे नए घर पे। वाह भाई वाह, नया घर, नए घर का न्यू गार्डन। नए घर का न्यू गार्डन मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये है जी हमारे पोर्शन की फ्रंट एलिवेशन। ऊपर लाइटें लूटे चली हुई है, सफाइयां सफुइयां हुई हैं आज। अरीब ने आज सबको हुक्म दिया हुआ था की सफाइयां करवा लें। पेंट हो रहा था, पेंट इतना खराब हो, गंद पड़ा हुआ था, तो अभी भी थोड़ा सा है लेकिन ठीक है। आज चले जी। फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे उसमें एंट्रेंस में। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं हमारे घर की एंट्रेंस। चलो जी चलें। चलें जी। इतनी देर से लोग कैश दिखा दो ये लाइटें सारी लाइट्स ऑन कर देना गाइस। ये थी, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं ब्रीफली। ये स्टेयर्स हैं ऐसे, ठीक है, ये मैं खड़ी हुई और यहाँ पे हम लोगों ने एंटर होना। लोगों को नजर आ रहा है ऊपर। वाह वाह वाह, लोगों को पता चल गया ये हमारे घर की है जी एंट्रेंस। जी यहाँ पे क्या है कि वो बनवाई क्या गाइस, यहाँ पे मैं रखवाऊंगी कंसोल विद ब्यूटीफुल मिरर लाइन एंड समथिंग बड़ा क्लासी सा ब्लैकिश गोल्डिश। तो वो तो होम टूर तो पूरी प्रॉपर बाहर में होगा, ये तो नया घर दिखा रही हूँ। ये तो मेरा नया घर है, नया पोर्शन जो कि अभी बिल्कुल खाली है, जिसको मैंने भी कुछ सेट नहीं किया हुआ, तो आवाज मेरी गुजरी है। अभी ये देखो जी, ये दरवाजा इसने स्पेशली, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे ये खाली था, इसने ये दरवाजा बनवाया है, ये कलर सेलेक्ट किया है और ये स्पेशल ये दरवाजा इसने खुद बनवाया है। ये दरवाजे का कलर मैंने खुद डिजाइन किया और ठीक है। अभी इसके हैंडल्स लगने हैं, लॉक शॉक लगने हैं, अभी काम हो रहा है। चलें जी अंदर आ जाओ। अभी हम आते हैं यहाँ से सबसे। वाह इकरा ये क्या है, ये भी मेरी चॉइस का था क्योंकि मैंने जब घर जो चीजें थी ना बिल्कुल खाली थी वॉल, ये नया लगा बिल्कुल। और ये पर स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर उतरेगा, स्टिकर उतरेगा। तो गाइस जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है ना वो इस पोर्शन की है कि इसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, ये देखिए। वाह भाई वाह, अभी रात का टाइम है ऐसे दिख नहीं रहा लेकिन डे लाइट में इतनी कमाल की लाइट आती है, मतलब मुझे होता है मैं यहाँ भी वीडियो बनाऊंगी, वहाँ भी वीडियो, मतलब मेरा तो पहला है। ये भी इकरा ने सारे खुद बनवाए हैं, ये कलर डिसाइड हुआ, ये मेरा यहाँ पे प्लेस्टेशन वगैरह लगेगा। वाह 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 वाह, तारे वगैरह हम छुपाएंगे, ये भी सारा बना नीचे से, ये सारा नीचे दोबारा नया बना है। हाँ, और ये सब चीजें लगेंगी। ये तो अभी खैर चीजें हमारा अभी प्रॉपर सोफा ये हमारा नहीं है, नीचे जगह नहीं थी तो हमने इसको भी यहाँ रखा हुआ ताकि हम कभी कभी टीवी देख लिया करें और मैच की स्टोरी लगाता हूँ ना वो मैं यहाँ से आ रहा होता। ये छोटू सा टेबल है। अच्छा ये टेबल जो था ना ये अदीप के, मतलब ये था, हम लोगों ने इसको रेनोवेट कराया है। ये था ब्राउन कलर का, जो चॉकलेट ब्राउन कलर का फर्नीचर कलर होता है, इसको मैंने इस तरह का पेंट करवाया। अच्छा ये अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मैंने ये डिजाइन खुद, मैंने कहा रीब इसको ना जाया नहीं करते, उसको ना कुछ बनवा लेते हैं, नहीं सेट बताओ क्या बनवाए। देन उसने कहा कि मैं पेंट करवाता हूँ ब्लैक शीशा और ब्लैक एंड ग्रे का, हमने कॉम्बो किया क्योंकि मुझे ये कॉम्बो बहुत पसंद है। सो इस घर की सबसे हम अनयूज चीज पे आ जाते हैं जो कि कभी यूज नहीं होगी। देखा मैंने कल आटा जिस तरह तुमने गूंदा है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो मैं तो हूँ वुमन। वो मैन को परफेक्ट करती है ना, वुमन को नहीं करती। लेकिन नहीं भाई, आई विल यूज दिस और ये मेरा खूबसूरत सा प्यारा सा छोटा सा मेरे काम के हिसाब से अच्छा सा किचन है, जिसको मैं बड़े प्यार से यहाँ पे इनके लिए पराठे बनाऊंगी, अंडा बनाऊंगी। तीन चूल्हे, बहुत मजे का था इकरा, बहुत मजे का था, पेट फुल हो गया है, बहुत मजे का था। ये कैबिनेट्स वगैरह हैं, बहुत प्यार करेंगे, देखिए ड्रावर्स वगैरह सारी चीजें, ये जब अरेंज करूंगी तो फिर सब कुछ दिखाऊंगी। यहाँ पे आएगी हमारी फ्रिज और ये है हमारा जो नाश्ता टेबल, इसमें मैं दो बार स्टूल वाले, बार स्टूल जो होते हैं वो चलेंगे, वो रखूंगी यहाँ पे मैं और अरीब बैठ के, नहीं मैं और बिल्ली बैठ के नाश्ता करेंगे, अरीब साहब बैठेंगे उधर। यहाँ पे हम अच्छा, ये प्यारा है, ये क्या, ये हाँ ये अच्छा लगा मुझे, ब्लैक एंड गोल्ड ना, ये भी ब्लैक एंड गोल्ड है, वो भी दिखाएं, वो भी ब्लैक एंड गोल्ड, ये ठीक है ये है पैशो, ये पैशो है जिससे जो है हवा का तसलसल
ठीक है जी, पैसे आ गया, आगे चलो जी। और ये है कि हमारा मेन बेडरूम बिल्कुल खाली बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा इकड़ा कह रही है यहाँ पे भी उसने शीशा लगाना है, मैंने कहा इकड़ा इतने शीशे क्या करने हैं, बेडरूम में तो शीशा होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, कॉर्नर साइड मैंने सोची हुई है इस तरह, क्योंकि यहाँ पे वो स्ट्रेटनर वगैरह ये चीजें लगेगी ना, तो इस तरह से मैं बनाऊंगी कि इस साइड बीच में नहीं रखूंगी। और ये मेरा बेडरूम होगा, आएंगे मैं आपको अपने वॉशरूम दिखा। गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो मिस्त्री मजदूर हजरात थे वो काम करके गए, जिस वजह से यहाँ पे ना उस तरह से हम लोगों ने भी पेंट के निशान वगैरह पड़े हुए हैं, अभी सफाई वगैरह होनी है। अच्छा कमरों के आप कमरे की सोचोगे, अलमारी कहाँ पे, तो ये वार्डरोब जो है ये इसके अंदर थी, वॉशरूम के अंदर कवल। कोई नहीं कोई नहीं, अभी सीख जाओगी इकरा। इकरा कलर सीख जाएगी, इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हुई है, ये हम दिखाएंगे आपको बाद में जब अपनी वार्डरोब सेट करेंगे। ठीक है जी, ये वॉशरूम है हमारा, एक एक अदर यहाँ पे भी मिरर लगना है, यहाँ पे भी यहाँ पे वो जैसे मेरे वॉशरूम में मेरे घर पे लगा हुआ ना, जिस तरह से मिरर पार्टीशन होती है ताकि पानी जो है वो यहाँ तक अप्रोच ना करे, तो उसके तो अभी वो लगना है, ये चीज लगना है, काम होना है यहाँ पे। चलो जी हो रहा होगा तो आप अरीब के ब्लॉग पे देखिए। ओके ये है जी हमारा सेकंड बेडरूम, जो कि इकरा कहती है इसने वार्डरोब बनाना है। मैं सो कह के थक गया हूँ, इकरा नहीं, इकरा नहीं, इसने मैं आपको सब चीजें पहले ही बता रही हूँ मैंने क्या क्या बनाना है। ये होगा मेरा वार्डरोब। अच्छा यहाँ पे सारी चीजें मैं सेपरेट करूंगी, ये होंगी मेरी अलमारी। अब आप लोग देख रहे थे ना जो मैं पैकिंग कर रही थी, वो बेसिकली मैंने ये अलमारियां भी साफ करवाई, यहाँ पे थोड़ा सा वो चीजें थी, यहाँ ला के मैं सेट करके इसको बंद कर दूंगी और वो शिफ्ट भी करता है। ये सब कुछ बंद हो जाएगा, इस टाइप की कोई चीज होगी, ये बंद नहीं होगा क्योंकि यहाँ से परफेक्ट लाइट आती है, फॉर माय वीडियोस जो मैंने ऐसे करके ट्रांजिशंस बना ली हैं वो यहाँ पे बनेंगी। अच्छा यहाँ पे मैं प्रॉपर अपनी वैनिटी बनाऊंगी यहाँ पे, ठीक है, ताकि साइड से हमें स्विच बोर्ड्स भी मिल जाएंगे, उस कॉर्नर पर भी लंबी वो जो अलमारी होती है जिसमें बैग रखते हैं, प्राडा शरारा एलवी शेल्वी एमके शेम्के, यहाँ पे भी इस तरह से लंबी वो मैंने अलाइनमेंट सारी सोच ली हुई है। ठीक है जी, उसके नीचे मेरी ज्वेलरी एंड शूज शू रैक और वो साइड से चीजें बनेंगी। वार्डरोब का वॉशरूम भी मैं आपको दिखाऊंगी, गोल्डी गोल्डी वॉशरूम है ये, मुझे लगता है ये गोल्डी गोल्डी है, ठीक है ये वॉशरूम। इसके भी यहाँ पे हमारा मिड पार्टीशन लगेगी, वो मिरर वाली जो हमने रखनी है ताकि वहां तक पानी की एक्सेस ना हो। ठीक है जी, आज बहुत प्यारा है, यहाँ पे एक प्लांट रखूंगी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी माशाल्लाह, आज बहुत प्यारा है, लाइटें बंद करती है जहाँ जहाँ दिखाई जा रही हो। और ये अब हमारे पास आती है आहिस्ता आहिस्ता अगली चीज। अगली चीज क्या है? मेरा ऑफिस। ऑफिस तुमने क्या करना? ऑफिस यूट्यूब का ऑफिस बनाऊंगी, इंस्टाग्राम का ऑफिस बनाऊंगी, जहाँ पे मैं सारी अपनी इधर आया करोगी, कहीं और ऑफिस नहीं बनाना? ये कितना सामान है यहाँ तो, ये मेरा ऑलरेडी सामान पड़ा, ये मेरा सामान है, यहाँ पे मैंने सोचा था ये जहाँ पे बॉक्सेस पड़े यहाँ पे मैं अपना एडिटिंग पैनल लगाएंगे, अपना सिस्टम रखेंगे सो वी कैन वर्क हियर, और यहाँ पे सोफा सिटिंग ताकि कोई भी आने वाला जो बाहर से हम लोग जिनको काम के सिलसिले में मीटिंग करते हैं वो हम यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका और ये मुझे पर्सनली ये चीज इतनी अच्छी लगी थी, ग्रे एंड व्हाइट एंड गोल्ड इज माय फेवरेट कॉम्बो, इसमें लाइट यूं हो रही है। अच्छा वो पता नहीं फोन से वैसे यहाँ पे नहीं होती। और ये हमारा छोटा सा टेरेस है जो अभी मैंने आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाया था, तो ये बाहर से देखते हैं तो रोशनी यहाँ पे भी खुल्लम खुल्लम, मतलब वीडियो यहाँ पे भी अच्छी आएंगी। चलो जी वॉशरूम, थर्ड वॉशरूम जी हमारा, हमारी बड़ी तीसरे वॉशरूम। इकरा कह रही है कि इन दरवाजों के कलर भी हमने वो बाल वाले करवा लेने। नहीं 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 नहीं, नो माइंड बदल गया है, ना माइंड बदल गया है वो, क्योंकि ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है। ये जी तीसरा वॉशरूम है हमारा, ये वैनिटी मुझे अच्छी है, इसकी ना मुझे वाइब बहुत अच्छी दिखती है इस वाले वॉशरूम की, क्योंकि इसमें अभी गोल्ड कलर नहीं है, ज्यादा फ्रेश फ्रेश है, तो इसको भी नहीं, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। ये सही है, फिट है, इस तरह ही फिट है, ये इस तरह से नहीं फिट रहेगा वहां पे, हम चीजें वगैरह जब शिफ्टिंग करेंगे फिर आपको दिखाते रहेंगे। तो ये है जी हमारे तीन अदद कमरे, एक अदद यूजलेस किचन बकौल अरीब के, बट मेरे लिए वो यूज नहीं 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 बनेगा, इकरा बहुत अच्छा खाना बनाएगी, हाँ बनाएगी बनाएगी, अब कह रहे हो इन माय ड्रीम्स, नहीं नहीं बनाएगी, ऐसे ऐसे चीजें मैनिफेस्ट नहीं करते, नहीं मैं कह रहा बनाएगी, मैंने मान करो कि मैंने कहा बहुत अच्छा खाना बनाएगी, सबसे अच्छा खाना बनाएगी, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। चले जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज नॉट लास्ट, अभी छत भी तो है, छत भी है, ये जो है ये हमारी बालकनी है, ये हमारी बालकनी है जिसपे
बालकनी होता है कि बालकनी होता है? बालकनी। चलो जी आ जाओ जी। ये हमारी बालकनी है जहाँ पे मैं प्लांट्स रखूंगी जो कि मैं अपनी अम्मा से इनहेरिटेड लेकर आई हूँ जी। ये हमारा बड़ा हुआ, गन बड़ा हुआ। नहीं ये वो ब्रेड है ना जो बर्तनों अच्छा। के लिए होता है। यहाँ पे जो है वो सिटिंग एरिया है ठीक है। ये दो जगह यार इसको हम बारबेक्यू वगैरह बना सकते हैं। बारबेक्यू प्लेस नो छोटी सी है लेकिन अच्छी लगेगी। नहीं वो ना टेरेस सीधी दिखेगी। ये देखें ये एक बार ये सारा ये एक सामने ये सारा व्यू है ठीक है। और यहाँ पे एक चेयर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखनी है छोटी सी एक टेबल एक चेयर दो चेयर। तो हम दोनों ने जब कभी हमारा कॉफी शॉफी पीनी हो ठंड में एंजॉय करना हो तो यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है। ये यहाँ से सारा ये इस तरह बन जाता है। अब ये प्रॉपर ओवरऑल देखो कितना अच्छा लगा। माशाल्लाह गाइस माशाल्लाह 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 इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। इसको मैं खुद अपने हाथों से डिजाइन करूंगी बनाऊंगी चीजें करूंगी। चलो जी अब ऊपर चलते हैं लेकिन आप लोगों के साथ साथ करूंगी सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब चलेंगे और अरीब से सारी हेल्प लिया करेंगे। अरीब हमें हेल्प आउट करेंगे। अल्लाह हमारे नसीब में करे आमीन। चलो ये चलते हैं अपने छत पे। छत पे हाँ, देखिए गाइस छत पे सिर्फ गंद होता है ये सबको पता है। अरे कोई बात नहीं हम लोग ये चीजें ना उसमें ये सारा पेंट का सामान है जो पेंट हो रहा है अभी थोड़ा बहुत काम अभी रहता है तो इसलिए यहाँ पे सारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 3-4 दिन में अभी खत्म होगा फिर हम इसको मूव करेंगे। चलो जी अभी मैं ये देखना आवाज देखना लोग कुछ लोगों की आवाज से चिड़ होती है। चलो मुझे खुद भी होती है ये तो पूरे मोहल्ले को पता लगेगा इनकी छत का दरवाजा खुला है छत पे आया है। अभी ये छत का सारा काम हुआ है यहाँ पे अभी भी इसकी रगड़ाई शगड़ाई होगी ठीक है। ये एक सर्वेंट क्वार्टर है और अंदर एक और वॉशरूम है यहाँ पे सारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है स्टोर वगैरह। अभी बाकी लाइट्स लगवाई नहीं मैंने। हम लोग क्या करेंगे हम छत पे यहाँ मैंने सोचा इस एरिया पे यहाँ पे टैप वाटर एंड सब है इसको हम प्रॉपर कवर्ड एरिया बना के हम यहाँ पे अपना वॉशिंग एरिया बनाएंगे। ओके बिकॉज़ आई मैंने अरे मैंने कपड़े भी धोने हैं। तो इधर आ जाओ तुमने नहीं धोने मुझे पता है मशीन में धोने। तो ये वो जो विंडो थी ये जो विंडो थी जो ऊपर से जिसकी लाइट पड़ती है। चलो जी आ जाओ यहाँ से नीचे चलो ठीक है। ये छत हो गई ठीक है जी। ये सारा व्यू है यहाँ का। अभी यहाँ पे ग्रिलिंग होगी यहाँ पे ग्रिल लगेगी चीजें वगैरह होंगे और ये सारी छत की प्रॉपर सफाई होगी यहाँ ग्रिल लग जाएगी ठीक है। ये सारा सामान यहाँ से हम लोग करेंगे शिफ्ट। यहाँ कहाँ शिफ्ट करेंगे? ये हम सर्वेंट क्वार्टर दिखा रहे हैं। यहाँ से देखें ये जो 3 जगह बनी हुई है ना ये लाइट के इतना परफेक्ट है कि यहाँ से नीचे लाइट सामने से लाइट तो लाइट के सिवाय कुछ नहीं अच्छा लगा इस घर में। अरे मुझे घर पूरा ही बहुत अच्छा लगा है आपको नहीं पता मिला आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता चीज तो मेरी मर्जी की है और मुझे लाइट इसीलिए क्योंकि वी आर कंटेंट क्रिएटर्स और हमें लगता है और मुझे वैसे भी अगर ना भी होती तब भी मुझे लाइट नहीं पसंद है हवा खुली हाय। सो गाइज फाइनली हमने आपको दिखा दिया अपना प्यारा सा घर। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा घर और हमारा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने स्पेशली हमें दुआओं में याद रखना है हम लोग इस घर में बनाएंगे अपनी मेमोरी इंशाल्लाह छोटी छोटी चीजें इकट्ठे से करेंगे और आप लोग भी साथ में ही होंगे। तो यस अरीब लाइटें बंद कर दें। अरीब का काम अब अरीब सिर्फ लाइट्स बंद कर रहे हैं। इकरा ने सारी अरीब किचन गुड गुड। तो जी मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना इतना ज्यादा सारा ख्याल रखिएगा कि मजा आ जाए। बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़।